नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। और आज आपको फिर से देने जा रही हूँ EWS फ्रीशिप कैटेगरी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि आपका पसंदीदा सबकी शिक्षा बन चुका है सबकी शिक्षा फाउंडेशन। आपके साथ की है हमें ज़रूरत। अगर आपको लगता है हम समाज को बदलने के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारी मदद से बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, तो आप हमारे आर्थिक सहायता यानी कि हमें दान देकर हमारी मदद ज़रूर करें। साथ ही आप सभी को करना चाहूँगी धन्यवाद। पिछले तकरीबन 10 दिन से काफ़ी बीमार थी और आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी। यह पहली बार हुआ था कि एक हफ्ते तक सबकी शिक्षा ने कोई भी वीडियो रिलीज़ नहीं करी। आपके ढेर सारे मैसेजेस आ रहे थे, कई लोगों ने ईमेल करके भी पूछा कि मैम क्या हो गया, आपके कोई वीडियोस नहीं आ रहे हैं। तो उन सभी लोगों को जिन्होंने मैसेजेस करे, ईमेल्स करे, क्योंकि मैं किसी भी मैसेज और ईमेल का जवाब नहीं दे पाई, आप सभी को कहना चाहूँगी कि तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ, लेकिन अब पहले से बेहतर हूँ। और आज की एक जानकारी जो मुझे लगा आप सभी तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, उस पर आधारित एक वीडियो लेकर आई हूँ। आने वाले समय में अगले 3 से 4 दिनों में आप सभी के लिए फिर से रेगुलरली वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप सभी को बताना चाहती हूँ कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत कक्षा 2 से 9 का कंप्यूटराइज ड्रॉ का रिज़ल्ट निकल गया था और उसके बाद बच्चों के स्कूलों में दाखिले शुरू हो गए। 2 से 8 तक तो सभी बच्चों का नाम, जिनका नाम स्कूलों में निकला यानी कि जिन बच्चों का नाम ड्रॉ के माध्यम से निकला, स्कूलों में दाखिले के लिए निकला, उन सभी बच्चों को दाखिला मिल रहा है। लेकिन कक्षा 9 में दाखिले के लिए एक तरीका अपनाया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने कि जितनी सीटों पर दाखिला होना है उसके 5 गुना बच्चों का नाम ड्रॉ के माध्यम से निकाला जाएगा और फिर स्कूल की प्रिंसिपल इंटरव्यू के माध्यम से या फिर रिटन टेस्ट के माध्यम से यह निश्चय करेगी या डिसाइड करेगी, इस चीज़ का फैसला करेगी कि किन बच्चों को कक्षा 9 में दाखिला देना है। यह दाखिले का तरीका केवल 9 कक्षा पर ही एप्लीकेबल होगा, केवल उन्हीं पर लागू होगा। और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि यह जो दाखिला प्रक्रिया चल रही है इसकी अंतिम तिथि आने वाली है। जी हाँ, दाखिला प्रक्रिया की अंतिम तिथि आने वाली है, जो कि है 10 अगस्त 2023, जो कि है गुरुवार। तो आप सभी जल्दी करिए, कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते, आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। अगर स्कूल वाले किसी वजह से दाखिले के लिए मना कर रहे हैं तो उस वजह को जानने की कोशिश करिए, उस वजह को पूरा करने की कोशिश करिए कि कौन से कागजात की कमी की वजह से हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि बिना किसी कागजात की कमी के कारण ऐसे ही बेवजह आपके बच्चे को स्कूल में दाखिले से रोका जा रहा है, तो आप डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जाकर बात कर सकते हैं और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की राय से आगे आप फैसला ले सकते हैं कि आगे आप क्या करना आपको चाहिए इस संबंध में। कई बार डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आपको वजह सही तरीके से बताता है और आप उस वजह पर काम करते हैं और बच्चे का दाखिला आगे जाकर हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ 10 अगस्त तक आप अपने बच्चे का दाखिला करवा लेंगे और अगर इसके बाद अंतिम तिथि दाखिले की बढ़ती है, लास्ट डेट को बढ़ाया जाता है, तो उसकी जानकारी भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।